नाम से ये कदम जब भूपेश सिंह बदरिया पिस्टल कमान अकादमी में मानवीय का द्वारा कराया है सभी रियासतों के अंदर मुल्क भर में मनाते हैं और आज के दिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बिखरी हुई रियासतों को एक करके जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया और आजादी में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही उनकी जयंती के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है और उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता के लिए ये दिन मनाया जाता है। आपने देखा कि बहुत अच्छी परेड के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के अलग अलग विंग्स की तरफ से भी कंटिंजेंट्स ने हिस्सा लिया। सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस की तरफ से बीएसएफ सीआरपी एसएसपी के कंटिंजेंट्स ने हिस्सा लिया। रियासत की तरफ से हमारी एसडीआरएफ का कंटिंजेंट, उसके अलावा फायर सर्विस का कंटिंजेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का कंटिंजेंट, उन्होंने हिस्सा लिया। और जहां पर तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज और हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स आज के इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए, मैं सब देशवासियों को आज के दिन के लिए मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि जो संकल्प जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का, ये सिर्फ वर्दीधारी लोगों का नहीं है, ये जन जन का है, सब किसी का है। हर देशवासी को देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना है और संकल्पबद्ध रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल सर, कुलगाम की जो इन्वेस्टिगेशन कहां तक सर अभी पहुंची, जो परसों वो 3 बीजेपी के वर्कर मारे गए सर? वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, उसमें जो आतंकवादी जिन्होंने जो कार्रवाई की थी वो पहचान में आ चुके हैं और बाकी की कार्रवाई जो है उसकी की जा रही है। सर आज एक सर यूनिटी डे है आज, तो आपको लगता है कि कश्मीर अब वो मिलिटेंसी को छोड़ के अब मेन स्ट्रीम में लड़के आने लगे यहाँ पे, क्योंकि हमने भी देखा क्योंकि 4-5 लड़कों ने सरेंडर भी किया सर? देखिए सरेंडर जो पिछले 2-4 एनकाउंटर्स के दौरान हुआ है, ये बहुत ही अच्छी एक बात है जिसमें नौजवान बच्चे उस हद तक पहुंच के जहाँ लाइव एक्शन के अंदर गोली चल रही है उसके दौरान भी पुलिस की और फोर्सेस की ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं सरेंडर करने की, ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं किसी के बहकावे पे वो वापस लौटें, अभी भी वक्त है, किसी तरह का कोई उनका नुकसान नहीं होगा, उनको हर तरीके से मदद की जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान बच्चे आज बहुत सारी एक्टिविटीज, पॉजिटिव एक्टिविटीज जो हो रही हैं, वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो चाहे बाकी कोई कार्यक्रम इस तरह के पॉजिटिव हो, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हम लोग, उसमें भी सब बच्चों की सपोर्ट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।